हेलो फ्रेंड्स, प्लैनेट यूजर्स एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और आज मैं आ गया हूँ बच्चों का एक इंटरैक्टिव एजुकेशनल गेम कार्टून लेके, जिसमें एक शैतानी एंटिटी घुस चुकी है जो बच्चों को इसी गेम में कैद कर लेती है, अमेंडा द एडवेंचरर। इसे देख के तो डोरा याद आ गई। तो डोरा, बिस्तर में सुसु किसने किया? हमने किया। चैनल को सब्सक्राइब किसने किया? हमने किया। हमने किया। बेल आइकन भी किसने प्रेस किया? हमने किया। किया, हमने किया। हुरे! तो गाइस यार, ये कहानी है एक लौंडे की, इसका नाम था थुक्या। अब एक दिन की बात है, थुक्या को ना अपने घर के टॉप एटिक में एक बॉक्स मिलता है, जिसमें अमेंडा द एडवेंचरर नाम की एक इंटरैक्टिव कार्टून शो की VHS टेप्स होती हैं। अब गाइज, वो बच्चों के एजुकेशनल शोज नहीं होते हैं जिनमें कार्टून सिखाते हैं कि ये स्पेक्टिकल्स हैं, ये कैपो है। मैं पागल हूं। तो गाइज, वो अमेंडा द एडवेंचरर भी ना बच्चों को एक ऐसा ही स्पेलिंग सिखाने वाला शो था, जिसमें दो मेन कैरेक्टर्स थे। एक तो थी कतई बहादुर लड़की अमेंडा, और दूसरा उसका दोस्त एक कतई फट्टू भेड़ यानी शीप वूली। उल्ली का है तेरी उंगली। अब यार, मजे की बात तो ये थी ना कि थुक्या ने ना वो शो कभी देखा ही नहीं था, बट स्टिल ना उसे ऐसा लग रहा था कि वो उस शो के बारे में कुछ जानता था। सो अपनी क्यूरियोसिटी की आग को बुझाने के लिए जिज्ञासु थुक्या ना उन कैसेट्स को लेके हॉल में चला गया। Tape 1, Episode 1, बेकिंग अ पाई। तो इस पहली टेप में ना अमेंडा और वूली खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं। And I'm Wooly. अरे ये झाड़िया और पेड़ कौन सा नशा करके आए हैं, इतना फुदू फुदू क्यों नाचने में लगे हैं ये? फिर अमेंडा एप्पल्स की तारीफ करने लगती है, बट वूली कहता है कि सेब खाने से उसे बहुत तकलीफ होती है। अरे सेब से एलर्जी थी बेचारे को। बट अमेंडा ना जबरदस्ती करती है और थुक्या से ग्रोसरी स्टोर पे क्लिक करने के लिए कहती है। बट थुक्या होता है बकलोल, सो वो अंट शंट जगहों में क्लिक करता है लेकिन ग्रोसरी स्टोर में क्लिक नहीं करता है, जिसके बाद ना अमेंडा थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है। अब उसके बाद वो पहुंच जाते हैं ग्रोसरी स्टोर में, जहां अमेंडा कहती है एप्पल लिखो, बट थुक्या ना फिर से बकलोली करता है और अंट शंट स्पेलिंग लिखने लगता है। एक बार, दो बार भाई अमेंडा गुस्सा हो जाती है, और तीसरी बार ना थुक्या डालता तो रैंडम वर्ड्स है बट स्क्रीन पे ना एप्पल ही फीड होता है। देन फाइनली अमेंडा एप्पल पाई बनाने के लिए सेब खरीद लेती है। ले जाओ मैम साहब, आप भी याद करोगे। अरे यहाँ भी ये आइटम इतना फुदकने में क्यों लगे हैं ये? भाई ये खाली आइटम नहीं है, बल्कि वो बच्चे हैं जिन्होंने इस गेम को इससे पहले खेला था। आगे देखते रहो, सब पता चल जाएगा। अब गाइस, टेप खत्म होते ही ना स्क्रीन पे झिलमिल क्रेडिट्स आते हैं, जिनमें एक हिडन मैसेज छुपा होता है, टर्न द टीवी ऑफ नाउ। मतलब अभी के अभी टीवी। देन जब थुक्या टेप इजेक्ट करता है ना गाइस, तब भी टीवी पे ग्लिचेस आते हैं, कुछ फोटोज की झलक दिखती हैं, एक घर की, एक बुढ़िया की डेड बॉडी की। आज का सवाल, हैप्पी फ्रॉग, मिस्टर हिप्पो, पिक पैच, नेट बियर, ऑरिबल एलिफेंट के बैंड का क्या नाम है? ए मीडियोकर मेलोडीज, बी सीक्रेट सुपरस्टार, या फिर सी ट्रैश एंड द गैंग? सही आंसर कर दो कमेंट, क्योंकि रैंडम कमेंट को पिन किया जाएगा। Tape 2, Episode 2, गोइंग टू द स्टोर। तो गाइज, ये वाली टेप ना बड़े ही अजीब तरीके से शुरू होती है। वूली ना थुक्या को वार्न करता है, कहता है, हमारे पास टाइम बहुत कम है, चाहे कुछ भी हो जाए ये मत करना। बट इससे पहले कि वो क्या मत करो बताता ना, पीछे से अमेंडा आ जाती है। फिर वो दोनों खुद को वैसे ही नॉर्मली इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसके बाद अमेंडा कहती है कि आज हम मार्केट जाएंगे क्योंकि मुर्गा चाहिए मेरे को। अरे अपने लिए नहीं, बल्कि ग्रैंडमा के लिए। बट तभी ना गाइस, वूली कहता है कि ग्रैंडमा तो वेजिटेरियन है, लेकिन अमेंडा ना उसे इग्नोर कर देती है और थुक्या को मीट शॉप पे क्लिक करने के लिए कहती है। अरे ये अमेंडा बड़ी ही शैतानी लग रही है मुझे, कहीं ये बेचारे वूली को मारने के लिए तो नहीं ले जा रही है मीट शॉप में।
हो सकता है गाइज, क्योंकि बच्चों के शो में ऐसी मीट वीट वाली मारकाट वाली चीजें क्यों दिखाएंगे। लगता है गाइज उस शैतानी एंटिटी ने अमेंडा को पोजेस करके गेम का कोड बदल दिया है। अब थुक्या ना आइसक्रीम शॉप पे क्लिक करता है, सो अमेंडा ना गुस्सा हो जाती है और आइसक्रीम शॉप को ही गायब कर देती है। देन वो लोग मीट शॉप में घुस जाते हैं, जहाँ जाने में ना वूली की तो कतई फटरी होती है। फिर अमेंडा थुक्या से कहती है कि मीट मैन से मीट मांगो, बट बेचारा वूली ना घबराते हुए हाथ हिलाता है, मना करता है। सो थुक्या ना अंट शंट लिखने लगता है, बट अमेंडा उससे जबरदस्ती मीट लिखवा देती है, जिसके बाद मीट मैन मीट लाता है और मीट काटने लगता है। बट गाइज तभी ना अमेंडा वूली की तरफ बड़े ही डरावने तरीके से देखने लगती है। वूली डर जाता है और टेप खत्म हो जाती है। टेप 3 एपिसोड 3 मेकिंग न्यू फ्रेंड्स। नाउ गाइज इस वाली टेप की वाइब्स ना सबसे डरावनी होती हैं। रात का वक्त होता है, चांदनी रात होती है, एक सुनसान घर होता है जिसके बगल में ना एक प्लेग्राउंड जैसा होता है, बाकी रोड पे ना अमेंडा अकेले खड़ी होती है। अरे वूली को मार दिया क्या इसने, बेचारे के बाल ही बचे हैं बस। ए अमेंडा क्यों मारा रे वूली को तूने? हाँ गाइज मीट शॉप में ना अमेंडा ने वूली का काम तमाम करा दिया था। ओके गाइज तो अमेंडा कहती है It's dark out. Let's go home. बाहर अंधेरा है, चलो अंदर चलते हैं। अब जब थुक्या घर की तरफ देखता है ना, तो उसे ऐसा लगता है कि उसने वो घर कभी कहीं देखा है। Then guys, वो फिर से बकलोली करता है और घर पे क्लिक ही नहीं करता, इधर उधर क्लिक करने लगता है कि तभी गाइज अमेंडा गुस्से में आ जाती है। उसकी आंखें भूतिया हो जाती है सफेद कलर की एकदम। देन वो लोग दरवाजे पे पहुँचते हैं और अमेंडा कहती है इस दरवाजे पे नॉक करो। और जैसे ही थुक्या वहाँ नॉक करता है ना, उसे अपने घर के दरवाजे पे नॉक नॉक की आवाज आने लगती है, जो सुनते ही उसके दिमाग में आता है कि ये तो मेरा ही घर है। इसके बाद ना गाइस सामने उस भूतनी अमेंडा की आंखें सफेद हो जाती हैं और वो भूतनी बन के ब्रेक डांस करने लगती है, फिर वो गायब हो जाती है। और तभी थुक्या के पीछे से एक मॉन्स्टर आता है और वो ना उसे अपने साथ उसी गेम के अंदर ले जाता है। बड़े से दांत, बहुत सारी छोटी छोटी आंखें और बहुत ही खतरनाक हाथों वाले इस मॉन्स्टर ने ना गाइज इस गेम को पोजेस किया हुआ है और अब ये गेम अपने अगले शिकार का इंतजार कर रहा है। तो गाइज ये थी अमेंडा द एडवेंचरर हॉरर गेम की स्टोरी। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही। होप यू एंजॉयड। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स।